अभी यूगियो के बारे में इतना डिटेल में बात करने के बाद हमें अभी टॉप 10 ट्रेडिंग गेम के बारे में तो बात करना ही चाहिए ना। तो आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 10 में बात करते हैं शैडोवर्स फ्लेम एनिमे के बारे में, जो रिलीज हुआ था 2020 में और इसका अभी तक 2 सीजन आए हैं 98 एपिसोड के साथ। इसका IMDb रेटिंग 5.69 है। स्टोरी सिंपल है। स्टोर रूम में हीरो को स्मार्टफोन मिलता है जिसमें शैडोवर्स डाउनलोड रहता है। उसे लगता है ये फोन उसके ग्रैंडफादर ने दिया है। अभी वो कैसे कैसे इंटेंस बैटल लड़ता है, इसके लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। नंबर 9 में है ड्यूअल मॉन्स्टर, जो 2002 में रिलीज हुआ था और इसका सिर्फ 26 एपिसोड है और इसका IMDb रेटिंग 5.83 है। स्टोरी सिंपल है। ड्यूअल मास्टर 5 सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन है। शोबू अपने फादर की तरह एक वर्ल्ड क्लास मास्टर ड्यूअलर बनना चाहता है, के लिए उसको सभी टूर्नामेंट जीतना पड़ेगा। नंबर 8 में बात करते हैं Z/X इग्निशन एनिमे के बारे में, जो 2014 मतलब 2014 में रिलीज हुआ था और इसके अभी तक 12 एपिसोड रिलीज हुए हैं और साथ ही इसका IMDb रेटिंग 6 है। स्टोरी सिंपल है। पूरी दुनिया में 5 पोर्टल खुलते हैं पैरेलल वर्ल्ड में, जहां से सभी मॉन्स्टर अलग अलग टाइमलाइन से मेन वर्ल्ड में आते हैं हमला करने के लिए और सभी को लड़ना पड़ता है बचने के लिए। नंबर 7 में है मिक्स मास्टर किंग ऑफ कार्ड्स, जो 2005 में रिलीज हुआ था। इसके 39 एपिसोड है और इसका IMDb रेटिंग 6.31 है। स्टोरी सिंपल है। वीडियो गेम के सभी मॉन्स्टर साइंटिस्ट की एक गलती के वजह से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। उन्हें रोकने और पकड़ने का काम मिक्स मास्टर का होता है। नंबर 6 में बात करते हैं बाकुगान बैटल ब्रॉलर की, जो रिलीज हुआ था 2007 में और इसका अभी तक 4 सीजन रिलीज हुए हैं 189 एपिसोड के साथ और इसका IMDb रेटिंग 6.42 है। स्टोरी सिंपल है। एक दिन आसमानों से मिस्टीरियस कार्ड गिरने लगते हैं, जो ताकत रखते हैं पावरफुल क्रीचर को समन करने के लिए दूसरे डायमेंशन से। वर्ल्ड बैलेंस बनाए रखने के लिए बाकुगान टीम को वेस्टोरिया टीम को हराना पड़ेगा। नंबर 5 में बात करते हैं बेल डिवाइड एनिमे के बारे में, जो 2021 में रिलीज हुआ था और इसके अभी तक 12 एपिसोड रिलीज हुआ है और साथ ही इसका IMDb रेटिंग 6.6 है। स्टोरी सिंपल है। एक ऐसा शहर जहां सब कुछ डिसाइड होता है कार्ड गेम खेलने से, और उधर एक दिन उठता है एक जवान आदमी जिसको सिर्फ अपना नाम पता रहता है और उसके हाथ में कार्ड का डेक होता है। अभी वो कौन है, क्या क्या होता है उसके साथ, उसके लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। नंबर 4 में बात करते हैं बैटल स्पिरिट एनिमे के बारे में, जो रिलीज हुआ था 2010 में और इसके अभी तक टोटल 3 सीजन आए हैं और 30 एपिसोड रिलीज हुए हैं और साथ ही इसका IMDb रेटिंग 6.67 है। स्टोरी सिंपल है। कार्ड बैटल खेल के डान पूरे दुनिया को बचाता है, लेकिन वो बोर हो जाता है वीक ओपोनेंट से लड़ते हुए। मैं उसके पास पहुंचकर उससे हेल्प मांगती है। वो दोनों फ्यूचर में पहुंचते हैं, जो ईयर है 2650, जहां सब पावर के भूखे बन चुके हैं। अभी क्या डान फिर से ह्यूमैनिटी को बचाएगा, इसके लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। नंबर 3 में है फ्यूचर कार्ड बड़ी फाइट, जो रिलीज हुआ था 2014 में और अभी तक इसके 6 सीजन आए हैं और टोटल 268 एपिसोड रिलीज हुए हैं। इसका IMDb रेटिंग 6.71 है। स्टोरी सिंपल है। ये फ्यूचर वर्ल्ड में सेट किया है, जहां कार्ड गेम कनेक्ट है बड़ी रेयर पोर्टल से। ये कार्ड मॉन्स्टर लाते हैं अर्थ में ताकि वो इंसानों से दोस्ती बना पाए। कंपटीशन भी होता है कि कौन है बेस्ट बड़ी पूरे दुनिया में। नंबर 2 में है कार्ड फाइट वैनगार्ड, जो 2011 में रिलीज हुआ था और ये अभी तक चल रहा है 467 प्लस ongoing एपिसोड के साथ। इसका IMDb रेटिंग 7.02 है। स्टोरी सिंपल है। कार्ड फाइट कार्ड गेम पॉपुलर हो गया है दुनिया में, सबका लाइफ से ये गेम जुड़ चुका है। एक दिन उस गेम में कदम रखता है एक डरपोक और शांत आईजी अपने कार्ड ब्लास्टर ब्लेड के साथ। और नंबर 1 में है यूगीओ, जो 1998 में रिलीज हुआ था और अभी तक 236 एपिसोड रिलीज हुआ है और साथ ही इसके 7 स्पिन ऑफ भी रिलीज हुआ है। 777 प्लस ongoing एपिसोड चल रहा है। इसका IMDb रेटिंग 7.48 है। स्टोरी सिंपल है। यूगी मोटो, जो एक अकेला और उदास लड़का है,
जिसे गेम खेलना बहुत पसंद है और साथ ही उसके दादा का एक गेम शॉप भी है। एक दिन उसके दादा मिलेनियम पजल मिलता है। युगियो इस पजल को सॉल्व करने लगता है ताकि वो फ्रेंड बना पाए। सालों की मेहनत के बाद वो पजल सॉल्व कर लेता है, लेकिन उसके साथ कुछ हादसा होता है। अभी क्या होता है वो हादसा, उसके लिए आपको ये एनीमे देखना पड़ेगा। तो यही तक था टॉप 10 कार्ड ट्रेडिंग गेम लिस्ट। और आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसे कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड माइंड ड्रॉप।